फॉर्मेटिव ईयर्स में मेरे फर्स्ट जो 10 साल थे उसमें जिस तरह मैंने हार को महसूस किया, मुझे कान पकड़ के जैसे इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट भारी कर दिया गया था, मेरे को चिता पर उन्होंने भैया बिठाई दिया था, बिल्कुल बस माचिस जला के लगा ही रहे थे कि मैंने खुद फूंक दी इसको, कोई बाहर से फूंकने वाला आएगा नहीं, कांपते हुए हो पैर आपके अपने होने चाहिए, सही मेंटर जो होता है वो कहता है कि मैं तेरे को हाथ नहीं दूंगा, क्योंकि वो आपका सम्मान करता है, वो जानता है कि तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, वो जानता है कि तुम्हारे अंदर वो पावर है, क्योंकि हम कभी कभी किसी को हाथ दे के अपाहिज बना देते हैं सारी उम्र के लिए, हम उसके लिए बैसाखी का काम करते हैं और वो फिर वो सारी उम्र आप पर डिपेंडेंट रहता है। मेरे लिए जो यूजी कृष्णमूर्ति साहब ने जो किया है, उन्होंने कहा कि तुम में वो सारे हुनर हैं, मगर उसने कभी मुझे उंगली पकड़ के हाथ बोला नहीं चलो मेरे साथ में ये मैं दिखाता हूँ, नहीं, उसने कहा ये ऐसा एक एडवेंचर है जहाँ पर कोई कंपस नहीं, कोई मैप नहीं है, तुम्हारा दिल जो है वो होगा कंपस, मैप जो है तभी बनेगा जब तुम चलोगे। इसलिए मैं कभी भी अपने जीवन को एक मॉडल बना के पेश नहीं करता लोगों को कि भैया कि इस तरह जीवन जिया जाता है, फिल्म इंडस्ट्री में ये किया करो वो किया करो, नहीं, आज जो ये देख रहा है शो जिसके अंदर कुछ बनने का जज्बा है वो मेरी बात से अपने अंदर की ही आग जगाता है, मगर वो आग उसकी होगी, वो मुझसे उधार, ये ऐसी जगह है जहाँ पर आप उधार कुछ दे नहीं सकते किसी, क्योंकि वो जब तक आपकी अंदर की आग नहीं जागेगी आप अपने लिए वो जगह इम्पॉसिबल क्रिएट कर पाएंगे।